हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में एक नई एडवाइजरी इशू हुई है और ये है रिगार्डिंग रूल 10A से रिलेटेड। रूल 10A कहता है सीजीएसटी एक्ट का कि कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना है, पोर्टल में फर्निश करना है पोर्टल में। अगर आप नहीं करते हैं तो अब नई फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं और फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं पोर्टल में। इस फंक्शनैलिटी में क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड आपको ये इंटीमेट करा जाएगा। अब जब इंटीमेट कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल फर्निश कर देना है, जैसे रिवोक हो जाए सस्पेंशन। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो वो कैंसिलेशन हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी भी काफी लोग हैं जो बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है। रूल 10 ये कहता है कि जब भी आपको जीएसटी नंबर मिलता है तो विदिन 30 डेज ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बैंक डिटेल्स फर्निश करना है, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी वन और IFF, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले डेट हो, 30 दिन खत्म हो रहे हो या ड्यू डेट आ जाए जीएसटी वन की या IFF की, आपको उससे पहले बैंक डिटेल्स फर्निश करना है। तो इसी के लिए वो अभी भी एडवाइस कर रहे हैं थ्रू दिस एडवाइजरी की टैक्स पेयर अभी भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। नहीं कर रहे हैं तो 30 पीरियड्स जो है, 30 डेज पीरियड, वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाएंगे और फिर आपको एक सस्पेंशन इंटीमेशन फेस करना पड़ेगा। फेलियर टू फर्निश दी बैंक अकाउंट इन दी स्टिपुलेटेड टाइम इट वुड रिजल्ट इन फॉलोइंग। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर 30 डेज एंड इंटीमेशन इन फॉर्म REG 31 विल बी इशू टू दी टैक्स पेयर। गेट दी टैक्स पेयर डिबार्डेड फ्रॉम फाइलिंग एनी फर्दर GSTR 1। सस्पेंड तो हो ही जाएगा आपका जीएसटी नंबर और साथ ही साथ आप GSTR 1 या IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। अब इसको रिवोक कैसे करेंगे? तो जो टाइम पीरियड इंटीमेशन में मेंशन है उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप बैंक डिटेल्स फर्निश कर दीजिए। कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। अगर 30 दिन तक नहीं कर पाते, इश्यूएंस ऑफ REG 31 के 30 दिन के अंदर अंदर आप बैंक डिटेल्स नहीं फर्निश करते हैं तो कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से अभी भी काफी टैक्स पेयर्स हैं जिनने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फर्निश करी। जैसे आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले वो फाइल अमेंडमेंट का पॉपअप देता है जिसमें आपको बैंक डिटेल्स फर्निश करना रहता है। जल्द से जल्द कर दे, अदरवाइज सस्पेंशन उसके बाद कैंसिलेशन हो सकता है और आपको रिटर्न भी टाइमली फाइल नहीं करने दिया जाएगा। तो होप आपको ये एडवाइजरी समझ आई है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।